हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से वापस आया हूँ लद्दाख के वीडियो के साथ। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा दो डेस्टिनेशन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता है। एक है सोकर लेक, जो एक सॉल्ट लेक है, और दूसरा अट्रैक्शन है हॉट स्प्रिंग। ले से जब आप सोमोरीरी की तरफ जाओगे तो बहुत जगह पे आपको हॉट स्प्रिंग्स मिल जाएंगे। वहीं जब आप सोमोरीरी से ले वापिस आओगे मनाली हाईवे होते हुए, तो रास्ते में आपको सोकर लेक मिल जाएगा। सामने हॉट स्प्रिंग का एंट्री पॉइंट है। हमारे राइट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग है वो सरकारी बाथ हाउस है, जहाँ पे आप बिना किसी शुल्क के नहा सकते हो। आगे हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट भी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सो यू हैव टू पे फॉर यूजिंग द फैसिलिटीज़। तो वहाँ पे भी आप नहा सकते हो, तो दोनों जगह पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर। ये सल्फर बेस्ड हॉट स्प्रिंग है। देखिए उबलता हुआ हॉट स्प्रिंग की पानी, यहाँ पे अंडे बॉयल हो जाते हैं। मेरे पास अंडे नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको बॉयल करके दिखाता। इधर देखिए और भी उबलता हुआ पानी, आपने ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा होगा। जान पे खेलते हुए हमारे पत्रकार आपको उबलता हुआ पानी के अंदर लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो पत्रकार पूरे पानी में बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे पत्थरों के ऊपर बैठ के आप आराम से नेचुरल स्टीम बाथ ले सकते हो। हमने भी यहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के नेचुरल स्टीम बाथ का आनंद उठाया। ये 10 मिनट की स्टीम बाथ के बाद ये जो ट्रैवल का थकान था वो कम्प्लीटली दूर हो गया। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आओ और 10-15 मिनट ये जो सल्फर स्टीम है उसके पास बैठो और अपने बॉडी को और माइंड को रिजुविनेट करो। जब आप सोमोरीरी लेक से लेक की तरफ वापस जाओगे मनाली हाईवे होते हुए, तो मनाली हाईवे पहुंचने से पहले आपको एक दूसरा ही तरीके का लैंडस्केप दिखेगा। ये जो लैंडस्केप है, यहाँ पे आपको दिखेंगे काफ़ी सारे हॉट स्प्रिंग्स और एक बहुत बड़ा सॉल्ट लेक जिसका नाम है सोकर। तो आप सोकर लेक में उतर के कुछ देर यहाँ का जो नज़ारा है उसकी आनंद ले सकते हो। हमने भी वही किया, हम सोकर में रुके और कुछ आधा पौना घंटा हमने सोकर में बिताए। ये जो सोकर लेक है वो लद्दाख के दक्षिण प्रांत में स्थित रुपशु प्लेटो के पार्ट है। इस लेक के आसपास काफ़ी नोमाडिक विलेजेस है। पुराने ज़माने में जब नमक बहुत आसानी से नहीं मिलता था, तो उस ज़माने में ये नोमाडिक ट्राइब के लोग इस लेक से नमक एक्सकेवेट करते थे और वो नमक फिर तिब्बत एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज जब नमक बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये जो सॉल्ट लेक था और उससे जो नमक निकालने की जो प्रक्रिया था वो अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। सोकर लेक के पास देखने को मिलता है लद्दाख के दो फेमस वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन। उनमें से पहला है कियांग या टिबेटन वाइल्ड डोंकी और दूसरा है ब्लैक नेक क्रेन। हमें दोनों ही के साइटिंग हुए थे, लेकिन वीडियो में अनफॉर्चुनेटली हम उनको कैप्चर नहीं कर पाए। आपको अलग से हम लोग इनकी फ़ोटोज़ दिखाएंगे। हमारे वीडियो कैमरा में अच्छे जूम लेंस ना होने के कारण हमने जो स्टील कैमरा है DSLR में उनकी फ़ोटोग्राफ्स उठाए थे, वही फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। सोकर लेक की जो विज़िट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक आप किसी नोमैडिक हट में बैठ के उनकी हॉस्पिटलिटी का
आनंद ना उठाओ। हमने जिस नोमाड के हट में लंच किया, लंच में हमने खाया मैगी और पिया पिंक चाय, जो यहाँ का एक स्पेशलिटी है। ये जो भाई साहब यहाँ पे हमें खाना बना के परोस रहे थे, तो वो जो हमारे ड्राइवर साहब थे उनके कज़िन है। और ये भाई साहब समर में ये नोमाडिक हट में रहते हैं और विंटर में अपना जो घर है उनका ले में, उनका दो मंजिले का घर है और उनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, तो आप समझ लो कि दे आर प्रिटी एफ्लुएंट दैट वे। तो वहाँ पे वो वापिस चले जाते हैं। जब पहले काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते थे, तो ये भाई साहब उन टूरिस्टों के लिए ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस भी अरेंज करते थे, वो खुद ट्रैक में इनको लेके जाते थे। लेकिन आजकल कोरोना के चलते फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं लेह में। दो इंडियन टूरिस्ट की फुटफॉल बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फ्लाइट्स कनेक्टिंग लेह फ्रॉम दिल्ली, चंडीगढ़ एंड कश्मीर। लेकिन इंडियन जो टूरिस्ट है उनकी जो वैकेशंस है उतना एडवेंचरस नहीं होता है इन कंपैरिजन टू फॉरेन टूरिस्ट। सो अभी ये एक्सपीडिशंस वगैरह बंद है, बट ही सर्व्स फूड, डिलीशियस फूड रादर, टू वेफेयरर्स लाइक अस ऑन आवर वे बैक टू ले। जैसे कि मैं बता रहा था, हमने यहाँ पे खाए मैगी और उसके साथ पिया ये पिंक टी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो चाय है वो पूरा पिंक है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। ये चाय ये लोग बोलते हैं, लेकिन ये चाय है नहीं, कोई हर्बल मिक्सचर है जिसमें चाय की पत्ती डलती नहीं है।